हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स किचन। बेसन के लड्डू बनाते हैं तो बेसन भुनने में हाथ की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तो आज हम एकदम आसान तरीके से कम मेहनत में परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करके बेसन के लड्डू बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चना दाल ली है और मेजरिंग कप के माप से 240 ml का कप है, तो ये 2.5 कप चना दाल है। चना दाल को कॉटन के गीले कपड़े में डाल के अच्छे से पोंछ के लेना है ताकि इसके ऊपर जो कोई भी पाउडर या डस्ट लगा हुआ है वो निकल जाएगा। दाल को हमें भूनना है तो इसे कढ़ाई में डाल देंगे, लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के भुनेंगे। दाल का थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और इसके भुनने की खुशबू आएगी, तब तक हम इसे भुनेंगे। इस तरह से हम चना दाल को भून के बेसन के लड्डू बनाएंगे तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बेसन को ज़्यादा भुनना नहीं पड़ेगा और लड्डू एकदम आसानी से बना के रेडी कर सकेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखिए। इस तरह से लगातार चला के दाल को 20 मिनट के लिए भून लिया है और आप देख सकते हैं कि दाल का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है और दाल भुनने की खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। गैस ऑफ कर देंगे। दाल को ठंडा करने के लिए नीचे मैंने एक न्यूज़पेपर रखा है, इसके ऊपर मैंने नैपकिन रख दिया है, इसके ऊपर हम दाल को ठंडा करेंगे। इस तरह से ऊपर डाल देंगे। अगर इसे थाली में डाल के ठंडा करेंगे तो ये पानी छोड़ देगी, तो इस तरह से नैपकिन के ऊपर डाल के इसे एकदम ठंडा करेंगे। रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक ठंडा कर लेना है। दाल एकदम ठंडी हो गई है तो इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। इसे बारीक सूजी के जैसा ग्राइंड करेंगे। दाल को मैंने बारीक सूजी के जैसा ग्राइंड किया है, अभी इसे छान लेंगे। आटा छाने की छन्नी से छान लेना है। इस तरह से इसे छान के रेडी करेंगे और ये एकदम बारीक सूजी के जैसा रेडी होगा। इसे छान के रेडी कर दिया है और थोड़ी सी दाल इस तरह से मोटी रह गई है तो इसे हम वापस मिक्सर जार में डाल के एकदम फाइन ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर देंगे। इसे ग्राइंड कर दिया है, इसे भी छान के अंदर मिक्स कर देंगे। इसे हम निकाल देंगे, ये अंदर नहीं डालना है। ये चना दाल का आटा रेडी हो गया है। 240 ml कप का माप से 1 कप देसी घी लिया है और ये 200 ग्राम घी है। इसमें से हम थोड़ा सा घी बचाएंगे और बाकी का घी अंदर डाल देंगे। 3/4 कप जितना घी मैंने डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके घी हम अंदर डालेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और ये हमने चना दाल का आटा बनाया है ये अंदर डालेंगे। धीमी आंच पे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें पहले से ही बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है। अब देख सकते हैं हमने जितना घी डाला उसमें ये अच्छे से सब आटा मिक्स हो गया है। थोड़ी देर के लिए इसे लगातार चला के भुनेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो ही हम थोड़ा सा घी डालेंगे। स्पैचुला से इस तरह से इसे दबा के मैश करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। इसमें गुटलियाँ पड़ जाती है तो इस तरह से स्पैचुला से दबाएंगे तो सभी आटा अच्छे से भुनेगा। मिश्रण थोड़ा सूखा लग रहा है तो हम 1 टेबलस्पून जितना घी इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और एकदम धीमी आंच पे ही इसे भुनेंगे। हमने चना दाल को पहले अच्छे से भून लिया था तो अभी ये आटा भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे भूनते हुए 6 मिनट हो गई है। 1 टेबलस्पून घी और डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे ही भुनेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मिश्रण थोड़ा सा लूज हो गया है। अभी हम इसमें और घी नहीं डालेंगे। इसे भूनते हुए 10 मिनट हो गई है और अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा घी छोड़ने लगा है, घी थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से भुनेंगे। बेसन अच्छे से भून जाएगा तो इस तरह से हम इसे चलाएंगे तो एकदम लाइट फील होगा। धीमी आंच पे इसे 13 मिनट के लिए मैंने भून लिया है और इसका कलर पार्ले जी बिस्किट के जैसा आ गया है। लड्डू का टेक्सचर एकदम दानेदार लाने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके 2 टेबलस्पून पानी डाल देना है और धीमी आंच पे अच्छे से चला के भूनना है। इस तरह से करने से लड्डू एकदम दानेदार बनेगा। आप देख सकते हैं बेसन का टेक्सचर एकदम दानेदार दिख रहा है। 4 से 5 मिनट इसे और धीमी आंच पे भुनेंगे ताकि हमने जो पानी डाला है वो पूरा अंदर जम जाएगा। इसमें हमने पानी डाला है तो घी जो सेपरेट हुआ था वो भी पूरा उसमें एब्जॉर्ब हो गया है।
अभी वापस घी एकदम सेपरेट होने लगेगा, तब तक इसे भुनेंगे। और इसे 5 मिनट के लिए भून लिया है हमने, इसमें ज़्यादा घी नहीं डाला है तो इतना घी इसमें से सेपरेट नहीं होगा। इस तरह से करते हैं तो आप देख सकते हैं कि घी ऊपर सेपरेट दिखाई दे रहा है, ऐसा टेक्सचर हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे तुरंत ही एक डिश या थाली में निकाल लेंगे। इसे कढ़ाई में रखना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। इसे थाली में निकाल दिया है, इस तरह से इसे फैला के रखेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा करेंगे। इतना बेसन भूनने में मुझे 15 से 16 मिनट लगी है। 1 कप यानी कि 200 ग्राम मैंने घी लिया था, इसमें से 1/4 कप जितना घी रह गया है, यानी कि 175 ग्राम जितना घी मैंने इस्तेमाल किया है। बेसन का मिश्रण एकदम ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। इसे हाथ से इस तरह से थोड़ा मसल लेंगे। आप देख सकते हैं मिश्रण एकदम दानेदार बना है। 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। 250 ग्राम चीनी का पाउडर लिया है, इसे पीठी साकर कहते हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी का पाउडर इसमें डाल सकते हैं, 250 से 300 ग्राम जितना आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से हाथ से मसल के मिक्स करना है। ये मैं पूरा डाल रही हूँ, इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से सब अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं लड्डू में अच्छा बाइंडिंग आ गया है। अगर इस तरह से बाइंडिंग नहीं आए तो आप इसमें 1 चम्मच घी इसमें डाल सकते हैं, और अगर मिश्रण लूज हो गया है तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भून के डाल के मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से लड्डू बनाएंगे। लड्डू में अच्छी शाइनिंग लाने के लिए इस तरह से इसे अच्छे से मसल के लड्डू बांधेंगे तो बहुत ही अच्छी शाइनिंग आएगी। इस तरह से लड्डू बनाएंगे। एक ही साइज का लड्डू बनाने के लिए कोई भी छोटी सी वाटी या तो फिर इस तरह से मेजरिंग कप का 1/4 कप ले लेना है। इस तरह से बनाएंगे तो एक साइज का लड्डू बनेगा। इस तरह से एक ही साइज का लड्डू बनेगा। लड्डू जब भी हम बनाते हैं उस टाइम पे इसका मिश्रण थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो लड्डू बनाने के बाद इस तरह से हम डिश में या थाली में रखेंगे तो इसका शेप थोड़ा चपटा हो जाता है। तो इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद वापस इस तरह से राउंड करके लड्डू का शेप हम बराबर कर सकते हैं। इसके ऊपर पिस्ता के स्लाइस रखेंगे। आप काजू या किशमिश से भी गार्निश कर सकते हैं। बेसन के लड्डू बनके रेडी हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाए ऐसे बेसन के लड्डू बने हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।